गाइस यहाँ पे जीजा की महफिल जमी हुई है। आपको लड़की चाहिए हो चाहे लड़का चाहिए। ए बुक्कू लगी है, बुक्कू लगी है। छोटी नानी, ये है मौसी बड़ी, ये है सबसे छोटे मामू, वो है बुआ जी। खुश हो दादी? यहाँ पे जीजा की महफिल जमी हुई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज शादी के दो फाइनली पहली बार हमारे जीजा जी हमारे घर में रात गुजार रहे हैं। सुबह अब गुजारने वाले हैं, गुजारने नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक रात तो रहना पड़ेगा ना इधर, है ना। अभी शाम को महफिल जमी और वो इसलिए क्योंकि साली की शादी में आए थे तो उसकी वीडियो देखी। हाँ, क्योंकि वो एक सेकंड, क्योंकि मेरी शादी में नहीं आए थे तो उसका फरमाना आज करना पड़ेगा। ओह शिट, तो गाइस आ चुका है पिज्जा। टिंग 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 टिंग, जिया जी की तरफ से पार्टी है ये। किस खुशी में जिया जी? पिताजी बनने वाले आज कल परसों नरसों। अच्छा, ये नॉर्मल पार्टी गाइस। अच्छा ठीक है, ग्रैंड बाकी है गाइस, ग्रैंड बाकी है, ग्रैंड बाकी है पार्टी। The next morning. तो जो मेरी बड़ी दीदी है ना, वो प्रेग्नेंट थी, मतलब मेरे बड़े पापा की बेटी, तो उनकी डिलीवरी किसी भी पॉइंट पे हो सकती थी। और यहाँ सुबह सुबह हमें न्यूज़ मिलती कि उनका बेबी हुआ है। गाइस सो के उठ नहीं पाए हैं, बता दें कि हुआ है लड़का, और हम लोग को तो जल्दी जल्दी हम लोग को फोन आ गया है, तो अभी के लिए हम पहले फ्रेशन अप होके उसके पास आते हैं, देखते हैं। दीदी देखिए गाइस कितने खुश है सब। ओहो भाई साहब, वो देखो कुछ दम ऐसे भी होते, कुछ दम ऐसे भी है। बजरंगी आए हैं। दादी सबको फोन लगा के बता रही है, काफी खुश है सब। चुकू आ गई है बच्चे को देख के, वो पहले गई थी क्योंकि वहां इतनी भीड़ थी, हम लोग बोले तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके जाओ क्योंकि हम तो नहीं अभी जाएंगे, पर चुकू होके आई है अभी। अब उससे पूछते हैं उसको कैसा लगा, तुमको कैसा लगा बच्चे से मिलके? बहुत अच्छा लगा, वो फीलिंग अलग है, भले आपको लड़की चाहिए हो चाहे लड़का चाहिए, पर एक मौसी की फीलिंग तो अलग ही है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। ये देखिए गाइस उसके छोटे छोटे से मोजे। अंगूठा नहीं पियो ओली, मम्मी कुछ नहीं खाई थी सुबह से, भूख लगी पानी। गाय के सारी चीजें हमें पता है क्योंकि हमने बहुत बच्चों को खिलाया। एक्सपर्ट ए बुक्कू लगी है, बुक्कू लगी है, बुक्कू लगी, बुक्कू पैदा हुए से एक दो घंटे हुए नहीं कि उसे भूख पता कि लगी भाई। तो गाइस ये है, तो चलो अब मेरे को बताने दो। ये है छोटी नानी, ये है मौसी बड़ी, ये है सबसे छोटे मामू, वो है बुआ जी। बुआ जी ये एक और मौसी, ये एक और मौसी, ये एक और मौसी। हम लोग बहुत बार मौसी बन चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, पर हर लेकिन हर बार पहला बच्चा हो रहा है तो एहसास अलग है। बच्चा पहला हो गाइस या दूसरा हो, लेकिन जो एहसास बच्चे का होता है, हर बच्चे का अलग होता है,
कि हमारे माँ बाप क्यों कहते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, अब हम लोग समझ पा रहे हैं। बात तो सही है। और पहली बार इतने छोटू से मैंने तो, तुमने तो वेट को भी देखा है, मैंने तो दिता ही का बच्चा है सबसे पहला बहनों भाइयों में जो इतना छोटा सा देखा है। अभी हमने दीदी लोगों के यहाँ पहला है तो लग रहा है, लेकिन जब दूसरा भी होगा तब भी वही प्यार वही चीज होगी। जब हम विधि हुई थी, मतलब छोटू के बाद बहुत बाद में विधि हुई थी, रात में हुई थी, मैं बहुत छोटी थी पर मैं इतनी तेज भागती हुई इस हॉस्पिटल आई थी और इतनी पहले विधि को गोदी ली थी कि मुझे इतना क्रेज था कि बहन हुई है, चुप्पू टाइम पे इतना पता नहीं था। आधे से ज्यादा लोग तो लड़कियों के नाम सोच लिए, लड़कियों के नाम तो हमने बहुत सोचे। राजा बेटा बड़ी अच्छे से ऊपर होगी, पापा के साथ फोटो तो खींच दो भाई। आपके बाद पहला बच्चा है। ले जाएंगे लेके एक्सपर्ट है भाई। अभी एक हुआ है, अभी दूसरा भी होगा तो आप दादाजी के पास चुप है। दादाजी के पास होती हो। नहीं दिख रहा इधर है, इधर सो रहा रो रो के एकदम। चलो मैं चलूं क्या? खुश हो दादी? स्वर्ग की सीढ़ी मिलेगी। मिलेगी नहीं तो होता है ना, स्वर्ग सोने की बनवाओ भाई। दादू की जो बच्चे की शादी नहीं हो पाई। बजरंगी पापा बोल रहे बजरंगी भाई जान हुआ तो है ये। मैं तो बजरंगी बोलूंगा, घर का नाम बजरंगी। आधे लोग आ गए बाहर, ये है हॉस्पिटल और हमारा घर उधर है। हम लोग इधर आ गए तो अब अंजू चाची वहाँ पहुँची है, सब आ जा रहे हैं, सब आ जा रहे हैं, सबकी शिफ्ट लगी है और इतने पास में कि हॉस्पिटल आपको ये दिख रहा है और घर आगे। तो जैसे हम हॉस्पिटल से घर पहुँचे, यहाँ पे दादी बड़ी मम्मी और हमारी नाउन आंटी होती हैं, वो लोग गाना गवाते हैं, गीत गवाते हैं। तो ये कोई सोहर कुछ कहते हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं। तो जब बच्चा होता है तो कोई सोहर के गीत गाते हैं, तो वही गीत यहाँ पे चल रहे थे। आपको पता नहीं अब रात हो चुकी है, उस समय आपको मैंने दिखाया था जब मैं हॉस्पिटल से लौटी थी, उसके बाद बहुत सारे शूट्स थे वो किए। अभी मैं और शिखर जा रहे हैं फिर से हॉस्पिटल रात में बेबी को देखने। जैसे कि मैंने बताया बगल में हॉस्पिटल, तो हम लोग पैदल ही चल जाते, जैसे कि हमारी गली है वो हॉस्पिटल है। सो चलो अब देख के आते हैं, फिर खाना खाएंगे रात में, अभी खाना बन गया। कि अब हम लोग पहुंच भी गए हैं हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जाते हुए हम सब मिल के आ गए। जिया जी और पापा जा रहे हैं, वो देखिए खाना खा के शूट भी करना है भाई। सो
गाइज हम लोग आ गए हैं वापस और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इस बच्चे को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, बहुत सारी प्रेयर कीजिए कि ताकि इसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। और बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे, बहुत सारे मोमेंट्स थे जो एकदम ऑन द स्पॉट हो गए कि ऐसा हुआ, बच्चा हुआ, ये हुआ। तो वो ऑन द स्पॉट मोमेंट हम नहीं इस वीडियो में ला पाए क्योंकि ऑलरेडी हम भी सो रहे थे जब ऐसे पता चला और सबको एक दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली, बट ये खुशखबरी मिली। बट आई होप आपको इस ब्लॉग को देख के समझ में आया होगा कि हम सब कितने खुश हैं इसे देख के, इसे लाइक बच्चे के लिए। तो या आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में फेस रिवील भी हो जाएगा बच्चे का, आई डोंट नो। बट तब तक के लिए बाय बाय।